हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं इस्कॉन टेंपल। अब सब लोगों को तो पता ही होगा किशन भगवान जी का मंदिर, और हम लोग आ चुके हैं। ये बड़ा वाला गेट है, कोरोना के वजह से बंद है, तो हम एक छोटा वाला गेट है उससे ही अंदर जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। और अब फ्रेंड, ये रोड के पूरा साइड में पड़ता है, पूरा सामने रोड है, रोड के साइड में ही टेंपल है, तो आपको ज़्यादा दूर बा गली में भी जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम गेट से अंदर आ गए तो सामने ये बिल्डिंग है, इसमें थोड़ा बुक स्टॉल और कुछ खाने पीने का, चाय पानी का कुछ स्टॉल वगैरह है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है। अभी शायद मंदिर खुला नहीं, शाम के 6 बजे जब आरती होता है तभी मंदिर खुलता है। तो हम लोग तो आधा घंटा पहले ही आ गए। और वेदर भी बहुत बढ़िया है, पूरा साइड बाम्बू से घिरा हुआ है, और सेनोटाइज टनल से ही अंदर जा सकते हैं। हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो शाम की 6 बजने वाला है, हम शाम की आरती देखेंगे और 5 मिनट बाकी है। तो नेक्स्ट डे पूजा है किशन भगवान जी का, तो नेक्स्ट डे भी हम शूट करेंगे। शाम हो गए हैं, आज अभी वीडियो नहीं बना पाएंगे, कल मंदिर में पूजा है, तो कल मैं थोड़ा वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो फिर नेक्स्ट डे हम बनाते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, फिर से मंदिर आ गए हैं। मंदिर को तो बहुत बढ़िया तरीका से सजाया है, और अभी सामने आप देख सकते हो श्रीनाथ भगवान जी है, और कितना सुंदर सजाया है मंदिर को। हम लोग सुबह आने में थोड़ा लेट हो गया, बंद के जब भी आते हैं तभी बंद ही होने वाला होता है। अब लोग भी दर्शन कर लीजिए श्रीनाथ भगवान जी का। ये सब यहाँ पे ही, मतलब बच्चे इनके यहीं पे होंगे। अच्छा, जन्म हुआ है। हाँ, बाहर से लाए नहीं है, कुछ नहीं है। आप नवद्वीप का वो गौशाला देखा ना, कितना बड़ा बड़ा गाय है। पूरे जो बच्चे हैं इनके हैं, वो
देखो कितना बड़ा बड़ा गाय है। आप रे कृष्ण भगवान का पूरा जो गिर गाय है सब एकदम देसी गाय जो है। बाप रे इतना बड़ा बड़ा है। उनके दूध भी दिखते नहीं होंगे ना। नहीं 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 मंदिर के लिए यूज होता है। जो भी है मंदिर में यूज होता है भगवान के लिए। जितना भी मिठाई वगैरह बनता है अंदर सब दूध इसमें। इनके अगर जैसे ऐसे फेस्टिवल होते हैं तो वो कहीं और से बाहर से प्रोवाइड लेके आते हैं और जितना भी रेगुलर डेज में जो होता है यहीं से लेते हैं। कौन सेवा करता है इसका? ये गाय के लिए हम रखे हैं काफी सालों से वही सेवा कर रहे हैं। अकेला अकेला वो पूरा मतलब वो भरवाड़े होते हैं ना जो। हाँ तो गायों वाले होते हैं ना वही है। अच्छा। वो पहले से ही मतलब वो हाँ घास डाल घास डालो डालो अरे सो क्यूट जेनो जोड़ुआ लग रहा है। देखो ना एक टाइप का जोड़ुआ ये दोनों का देखो एक टाइप का दिखने में है। सूखा वाला भी है वो आगे है हम लोगों के वो खेती में जो सूखा वाला होता है ना वो जो अपना ऑर्गेनिक होता है ना उसी प्रकार से होता है। वो वहाँ पे है सूखा वाला कभी कभी वो उसके उनका टाइमिंग के हिसाब से वो देते हैं। अच्छा अच्छा वो गुड़ भी खिलाते हैं। हाँ गुड़ गुड़ खिलाना पड़ता है खिलाना पड़ता है बहुत सारे चीजें होते हैं पता नहीं कुछ ऐसा वो चिड़ी में चटा हुआ जैसे देखा इन्होंने हम आए तो खाने के लिए आए कितना सुंदर है क्यूट कितना ये जो साधन का है ये जो आराम ये साधन काका है कितने यही है मतलब पूरा गांव का जो है यही अकेले देखता है काफी समय से। साधन काका कितना वर्ष है तुम्हारा? 25 सालों से। मामन कोई गई था देख कौन बोलो 25 सालों से काम है। उनके लड़के भी हैं वो भी कभी कभी उनको मदद करते हैं। अंदर ही सांड वगैरह सब अंदर ही नहीं सब वो उसमें वो उनके हिसाब से अलग अलग कभी एक उसको ये तो पास पास बनता अंदर ही है लेकिन यहाँ पे दिखा के देखो बहुत बड़ा एरिया है ना। बहुत बड़ा सा है दोपहर हो गया मंदिर बंद हो गया। अभी शाम को 6 बजे मंदिर खोलेगा जब शाम के टाइम आरती होगा।
तब मंदिर खुलेगा। अभी मंदिर बंद है, 12 बजे तक ही खुला रहता है। अंदर ज़्यादा वीडियो करने नहीं देता और अभी सब बंद है, कोई नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा ले लिया। हाय गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय।